नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्पीक्स डेली के अंतर्राष्ट्रीय न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रति अग्निहोत्री। पिछले दो तीन दिनों से हम देख रहे हैं कि पेगासस स्पाईवेयर की जो न्यूज है वो लगातार सुर्खियों में है, चाहे वो अखबार हो या टीवी चैनल हो, सब जगह पेगासस कॉन्ट्रोवर्सी की न्यूज छाई हुई है, चल रही है। तो सबसे पहले संक्षिप्त में ये जानते हैं कि पेगासस स्पाईवेयर आखिर है क्या और क्यों ये इस समय इतनी चर्चा में है, पेगासस कॉन्ट्रोवर्सी क्या है और इसमें भारत को इस प्रकार से क्यों घसीटा जा रहा है इस पूरे प्रकरण में। पेगासस एक किसे कहते हैं बेहद सोफिस्टिकेटेड, तकनीकी रूप से समृद्ध इजरायली स्पाईवेयर है, यानी इसका निर्माण इजराइल ने किया है। इजराइल की एक कंपनी है एनएसओ ग्रुप के नाम से, उसने इस स्पाईवेयर का निर्माण किया है, वो इसकी निर्माता है। अब पेगासस स्पाईवेयर को लेकर इसराइल की इस कंपनी पर ये आरोप लगे हैं कि जो दुनिया भर की सरकारें हैं, विशेषकर की अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट्स हैं जो, उनको इसराइली स्पाईवेयर जो है बेचता है ताकि वो अपने और इस स्पाईवेयर के माध्यम से फिर ये सरकारें उसको खरीद कर उन लोगों पर जासूसी करती है बाकायदा रूप से, जो भी उनके देश के इस प्रकार के बुद्धिजीवी हो गए, पत्रकार हो गए, लॉयर्स हो गए, कुछ विपक्षी नेता हो गए, इस प्रकार के लोग हो गए जो उनके विचारों से इत्तेफाक नहीं रखते, जो उनके विरुद्ध जाते हैं और उनके लिए मुश्किलें खड़ी करें, ऐसे जो सरकार है वो इस स्पाईवेयर के माध्यम से उन पर जासूसी करती है, ऐसे आरोप लगते हैं इसराइल की इस कंपनी पर जिसने ये स्पाईवेयर बनाया है। तो अभी जो सारा विवाद छिड़ा है पेगासस को लेकर इस समय, वो इसीलिए क्योंकि पेगासस प्रोजेक्ट नाम से एक नई रिपोर्ट सामने आई है और रिपोर्ट क्या, ये एक लिस्ट है बल्कि जिसमें विश्व भर के 50,000 से भी ज्यादा फोन नंबर्स जो है दिए गए हैं और इस रिपोर्ट को बनाने वाले ऑर्गेनाइजेशंस ने यह दावा किया है कि जितने भी फोन नंबर्स इस लिस्ट में इंक्लूडेड हैं, जो 50,000 से भी ज्यादा फोन नंबर इन्होंने अपनी रिसर्च के द्वारा, अपने इन्वेस्टिगेशन के द्वारा उन्होंने निकाले हैं, उन पर किसी न किसी माध्यम से, या तो पेगासस स्पाईवेयर के माध्यम से इन फोन नंबरों पर जो, मतलब जिन लोगों का फोन नंबर है ये, उस पर जासूसी या तो हो चुकी है या फिर ये टारगेट्स रह चुके हैं जासूसी के पेगासस के माध्यम से। अब आपकी जानकारी के लिए थोड़ा बता दें कि इस पेगासस स्पाईवेयर का मोडस ऑपरेंडी क्या है। तो जैसा कि मैंने कहा, ये तकनीकी रूप से बेहद समृद्ध स्पाईवेयर है जो कि इस प्रकार से ऑपरेट करता है कि मतलब कि किसी भी फोन को अटैक कर सकता है, आपके फोन में जो आजकल के जो फोन है, आईफोन्स वगैरह, इनको आराम से अटैक कर देता है कि अगर कोई लिंक आएगा ईमेल द्वारा और आप उस लिंक पर क्लिक भी कर देंगे तो आपका जो सारा डेटा है इसका काम शुरू हो जाएगा और आपका जितना भी फोन का डेटा है, चाहे वो फोटो हो, फाइल्स हो या फिर सोशल मीडिया साइट्स पर भी आपका जो रिकॉर्ड है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो सब कुछ उनकी जासूसी में आ जाएगा, उनकी निगाह में आ जाएगा और सब चीजों पर एक्सेस हो जाएगा जो स्पाइंग कर रहे हैं इसके माध्यम से उसके लिए, यहां तक कि आपके सारे कन्वर्सेशंस भी टैप किए जा सकते हैं और ये लिंक के माध्यम से आमतौर पर किया जा सकता है। लेकिन अब इसकी जो नई तकनीक आई है उसमें इसकी भी लिंक की भी जरूरत नहीं होती, सिर्फ एक व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से आपका फोन पूरा हैक किया जा सकता है और आपको उस व्हाट्सएप कॉल को उठाने की भी जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं है, सिर्फ एक अननोन नंबर से आपको व्हाट्सएप कॉल किया जाएगा और आपका फोन इस प्रकार से हैक हो जाएगा पेगासस द्वारा। तो जो पेगासस जैसे स्पाईवेयर जो है वो जो टेक्नोलॉजी है इनकी, जो आजकल के फोन की जो टेक्नोलॉजी है, आईफोन्स वगैरह की, जितनी भी सोशल मीडिया साइट्स, इनकी जो टेक्नोलॉजी, उसमें जो लूप होल्स है उसका इस्तेमाल करते हैं स्पाईवेयर। तो ये था इसका मोडस ऑपरेंडी। अब वापस आते हैं रिपोर्ट की तरफ। तो ये 50,000 से भी ज्यादा नंबरों की लिस्ट है जिसको भी बताया जा रहा है कि या तो पेगासस द्वारा इन पर जासूसी की जा चुकी या फिर उसके जासूसी के टारगेट रह चुके हैं ये। तो ये रिपोर्ट फ्रांस के एक नॉन प्रॉफिट मीडिया ऑर्गेनाइजेशन फॉरबिडन स्टोरीज जो है वो फ्रांस का नॉन प्रॉफिट मीडिया ऑर्गेनाइजेशन, जर्नलिस्ट का एक प्रकार से ग्रुप है, ऑर्गेनाइजेशन है, फॉरबिडन स्टोरीज ने एमनेस्टी इंटरनेशनल सिक्योरिटी लैब के तकनीकी सपोर्ट से ये रिपोर्ट बनाई और ये सब जानकारी मुझे फॉरबिडन स्टोरीज के जो वेब पेज है उसके स्क्रीनशॉट दिखा दूंगी। और उस रिपोर्ट को बनाने के लिए जो भी इन्वेस्टिगेशन है, जांच पड़ताल है, उसके दुनिया भर के कुछ मीडिया आउटलेट्स ने, मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर कोलैबोरेट किया, मतलब फॉरबिडन स्टोरीज के साथ विश्व भर के मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस ने कोलैबोरेट किया इस इन्वेस्टिगेशन के लिए, जिसमें कुछ बड़ी बड़ी मीडिया कंपनियों के नाम शामिल है, जैसे कि यूके का गार्डियन मीडिया, अमेरिका का द वॉशिंगटन पोस्ट, फ्रांस का लमोंड। अब भारत की बात करें तो इस इन्वेस्टिगेशन टीम में भारत की भी दो मीडिया कंपनियां शामिल है, द वायर और फ्रंटलाइन भारत की जो मीडिया कंपनियां इसमें शामिल है। अभी सारी जानकारी फॉरबिडन स्टोरीज की साइट पर उपलब्ध है, आपको स्क्रीनशॉट्स में दिखा दूंगी। अब भारत पर आते हैं कि इस लिस्ट को लेकर भारत
में क्यों इतना हंगामा हो रहा है और भारत सरकार को क्यों घेरा जा रहा है, उस पर आरोप लगाए जा रहे हैं बल्कि इस प्रकार के कि पेगासस सॉफ्टवेयर के माध्यम से भारत सरकार जो है वो देश के जासूस, जो देश के बुद्धिजीवियों और जर्नलिस्ट आदि पर जासूसी कर रही है और विपक्ष के नेताओं पर जासूसी कर रही है, राहुल गांधी जैसे नेताओं पर जिनका नाम भी स्पाईवेयर लिस्ट में है, जिनका फोन नंबर की उन पर जासूसी करने का कुछ कुछ ना कुछ किसी की मंशा थी। अब ये सब आरोप इसीलिए लग रहे हैं क्योंकि इस लिस्ट में भारत के भी फोन नंबर्स हैं। लेकिन यह दिलचस्प बात यह है कि इस पूरी लिस्ट में जिसमें विश्व भर के 45 यानी 45 देशों के 50,000 से ज्यादा फोन नंबर्स हैं, इसमें सिर्फ 300 फोन नंबर्स ऐसे हैं जो कि कंफर्म्ड है कि ये भारत में रजिस्टर्ड है, और इन 300 में से भी सिर्फ 7-8 नंबर्स ऐसे हैं जिनमें ये इस प्रकार का कन्फर्मेशन हो चुका है, वेरिफिकेशन हो चुका है कि हाँ पेगासस का इस्तेमाल हो चुका है उन पर जासूसी, मतलब जिन लोगों से ये नंबर्स एसोसिएटेड उन पर जासूसी करने के लिए। तो सिर्फ 300 में से 7-8 नंबर्स का से वेरिफिकेशन, जो पेगासस की पूरी 50,000 की लिस्ट है उसमें से भी कुछ ही परसेंटेज है, बहुत छोटी परसेंटेज जिसका वेरिफिकेशन है कि जासूसी हो चुकी है, जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया। और ये पेगासस प्रोजेक्ट के वेब पेज पर भी स्पष्ट तौर पर लिखा है कि लिस्ट इस बात का प्रमाण नहीं है कि इन सभी फोन नंबर्स पर पेगासस द्वारा जासूसी की जाने की पुष्टि की जा चुकी है, बल्कि ज्यादातर नंबर संभवतः पोटेंशियल टारगेट्स हैं, यानी इन पर अभी तक कोई जासूसी नहीं हुई है, आने वाले समय में हो सकती है लेकिन अभी तक नहीं हुई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक ये भी एक अजीब सी बात है और यह रिपोर्ट अपने आप को खुद कॉन्ट्रडिक्ट करती है, क्योंकि एक तरफ तो खासकर कि भारत के संदर्भ में जितने भी महत्वपूर्ण नाम हैं, बहुत से पत्रकारों के नाम हैं कि इन पर जासूसी की जा चुकी है या फिर होने वाली है, और जिसमें वायर के सिद्धार्थ वरदराजन का भी नाम है, और इसके अलावा चाहे वो राहुल गांधी का नाम हो या फिर दूसरे लोगों के जो नाम है, रिपोर्ट में दावा है कि इन पर जो जासूसी हुई थी पेगासस के माध्यम से या फिर जिनको निशाना बनाया गया था, तो ये जो टाइम फ्रेम लेती है रिपोर्ट ज्यादातर नामों के संदर्भ में, अगर आप उनकी जर्नलिस्ट की लिस्ट भी देखेंगे इंडियन जर्नलिस्ट की, तो 2018-19 का टाइम फ्रेम लेती है, यानी भारतीय चुनावों से ठीक पहले का समय। और यही बात जो है इस बात का इस्तेमाल अब विपक्ष भी कर रहा है और मीडिया भी इस प्रकार की बातें लिख रहा है कि जो विपक्ष है वो इस प्रकार के आरोप लगा रहा है कि इसको चुनाव से जोड़ के देखा जा रहा है कि चुनाव जो है वो मैनिपुलेट किए थे भारत सरकार ने पेगासस स्पाईवेयर के माध्यम से, इस प्रकार के कॉन्क्लूजन्स जो है उसमें से बेसलेस कॉन्क्लूजन्स ड्रॉ किए जा रहे हैं। लेकिन 2018-19 के का जब टाइम फ्रेम था जब इन पर जासूसी करने का, तो फिर ये तो अजीब सी बात है कि अब तो 2021 हो चुकी है तो अब तक इन पर जासूसी की क्यों नहीं गई, क्योंकि सिर्फ 7-8 नामों की, जैसे कि मैंने कहा, भारत के संदर्भ में पुष्टि हुई है कि जासूसी हुई ही हुई है, बाकियों की कोई पुष्टि नहीं है कि इन पर इनको सिर्फ एक टारगेट्स माना गया है, सिर्फ ये नंबर्स मौजूद है। तो ये तो एक अजीब सी बात है कि अब तक अगर सरकार को जासूसी करनी होती तो अब तक क्यों रुकी रहती अगर ये 2018-19 के समय में टारगेट्स थे। अब इस आर्ग्यूमेंट का इस्तेमाल जो है, जैसे कि मैंने कहा, विपक्ष और लेफ्ट लिबरल मीडिया कर रहे हैं मोदी सरकार पर बेहद गंभीर आरोप लगाने के लिए कि पेगासस स्पाईवेयर के माध्यम से चुनावों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की गई है। अब आप अगर जरा से भी लॉजिक का इस्तेमाल करेंगे तो देखेंगे कि दूर दूर तक इस रिपोर्ट में तो कम से कम ऐसी कोई एविडेंस नहीं है कि भारत सरकार, किसी भी सरकार का नाम नहीं है इस रिपोर्ट में, सिर्फ फोन नंबर्स है रिपोर्ट में, और जिस ऑर्गेनाइजेशन ने रिपोर्ट बनाई सिर्फ फोन नंबर्स दिए गए, फोन नंबर्स की लिस्ट है, और सिर्फ जनरलाइज्ड या ब्लैंकेट स्टेटमेंट्स दिए गए कि अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट्स, अथॉरिटेरियन रेजिम्स जो है वो इस स्पाईवेयर का इस्तेमाल करती हैं, और चूंकि जो इजरायली कंपनी है जिसका ये स्पाईवेयर, वो अपने क्लाइंट्स के नाम नहीं देता, तो इससे कयास लगाने की संभावना और भी बढ़ जाती है कि चूंकि वो नाम नहीं दे रहा इसलिए ये कुछ सरकारें होंगी जो इस्तेमाल करती हैं स्पाईवेयर को, छिपाने की कोशिश कर रही है, इसलिए इसराइल भी नाम नहीं दे रहा। तो अब ऐसे तो कोई कुछ भी कह सकता है, लिस्ट में अब कुछ भारतीय नाम है और ऐसा कहा जाता है कि स्पाईवेयर का इस्तेमाल सरकारें करती है इसलिए भारत सरकार ने उन लोगों पर जासूसी कराई है, तो बिल्कुल बच्चों वाला लॉजिक हो जाएगा। आजकल के ग्लोबलाइजेशन के दौर में जिस प्रकार से बड़ी मीडिया कंपनियों का, मीडिया कॉन्ग्लोमरेट्स का, प्राइवेट कैपिटल का नेक्सस ग्लोबल लेवल पर दूर दूर के देशों के साथ बन रहा है, जैसे वामपंथ का नेक्सस है, उससे तो कुछ भी संभव हो सकता है। जरूरी थोड़ी है कि सरकारें ही कराएंगे स्पाइंग, अगर ऐसी स्पाइंग हो भी रही है तो हो सकता है कि कोई ग्लोबल नेक्सस ही स्पाइंग के पीछे हो और कोई और भारत के लोगों पर कोई और ही स्पाइंग करा रहा हो भारत सरकार की छवि को धूमिल करने के लिए, अगर वास्तविकता में ऐसी कोई स्पाइंग हो रही है और इस लिस्ट में सच्चाई है तो। सबसे अजीब बात यह इस लिस्ट के बारे में वो है इस लिस्ट का टाइमिंग, और उससे भी अजीब बात यह कि कुछ देशों को छोड़कर किसी भी देश की सरकार पर ये आरोप नहीं इस लिस्ट के द्वारा लग रहे हैं। लिस्ट में तो क्या डायरेक्टली सीधे तौर पर कोई आरोप नहीं लगे, लेकिन जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं
देश इस लिस्ट में भी इस प्रकार के देशों के कोई नाम नहीं है, दूसरे देशों के, भारत के अलावा और कुछ देशों के अलावा, खासकर कि यूरोपीय देशों के, अमेरिका का कोई भी नाम नहीं है कि जहां स्पाइवेयर के माध्यम से जहां पे सरकार अपने लोगों पर जासूसी करे उनको लेकर ऐसा कोई आरोप नहीं है। अब बात अगर सर्वेलेंस की है तो भला ऐसा कैसे संभव है कि पश्चिमी देशों की सरकारें अपने नागरिकों की बिल्कुल जासूसी नहीं कराती और भारत की सरकार कराती रहती है। आप ये गौर कीजिए कि किस प्रकार से इस रिपोर्ट के माध्यम से और इसको लेकर जो तमाम मीडिया में न्यूज आ रही है उसमें भारत को एक अथॉरिटेरियन, भारत सरकार को एक अथॉरिटेरियन रेजिम के तौर पर पोर्ट्रे करने की कोशिश की जा रही है, इस तरह के दिखाने की कोशिश की जा रही है कि भारत सरकार खुद के लोगों पर जासूसी करा रही है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबा रही है। और आप इसको अगर थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएंगे तो पूरे एक गेम प्लान में, पूरे नैरेटिव में ये फिट बैठ जाएगा, जिस प्रकार से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आजादी पर हमले का फेक नैरेटिव गढ़ा जाता है भारत सरकार के संदर्भ में, और फिर चुनाव जीतने के लिए भी शायद उसने इस प्रकार के साइबर फ्रॉड का सहारा लिया। इस प्रकार की जो न्यूज है वो पेगासस स्पाइवेयर को लेकर, जो भारत सरकार को लेकर उसके संदिग्ध संबंध को लेकर अभी से आने लगी है। मैंने अल जजीरा में भी एक ऐसी रिपोर्ट देखी है, उसकी स्क्रीनशॉट भी मैं दिखा दूंगी। तो ये पूरा फेक नैरेटिव गढ़ा जा रहा है और इमेजिन कीजिए कि बिना, फर्ज कीजिए बिना किसी प्रमाण के इस प्रकार की न्यूज का कोई अमेरिका और ब्रिटेन के बारे में बता सकता है, जब कोई सरकारों के नाम नहीं है, सिर्फ कुछ फोन नंबर्स के बेसिस पे, जैसा कि मैंने कहा सिर्फ 300 फोन नंबर्स है भारत के संदर्भ में, उसमें से भी सिर्फ 7 or 8 वेरीफाइड है कि हाँ कुछ स्पाइंग हुई है, वो भी किसी ने की है, भारत सरकार ने की है इसका भी कोई प्रमाण नहीं है। तो और फिर दूसरी बात कि इस इन्वेस्टिगेशन को आप निष्पक्ष किस हद तक कह सकते हो, उस पर भी सवालिया निशान है एक, क्योंकि इसमें वॉशिंगटन पोस्ट और गार्डियन जैसे मीडिया आउटलेट्स शामिल है जो कि पिछले कुछ समय से लगातार भारत के खिलाफ बायस न्यूज करते हैं, एक प्रकार का कोऑर्डिनेटेड प्रोपेगेंडा चलाते हैं। फिर भारत की तरफ से उसमें द वायर का नाम है। अब द वायर का नाम जब है तो फिर हम किस प्रकार की निष्पक्षता जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वायर तो लगातार भारत सरकार के खुद के देश के खिलाफ इस प्रकार का एक कोऑर्डिनेटेड प्रोपेगेंडा करता है। और जैसे कि मैंने कहा ये अजीब सी बात है कि सिर्फ भारत सरकार पर निशाना साधा जा रहा है, इसमें वॉशिंगटन पोस्ट भी है और न्यूयॉर्क टाइम, वॉशिंगटन पोस्ट भी है और गार्डियन भी है, लेकिन फिर भी अमेरिका और ब्रिटेन की सरकारों के बारे में कुछ नहीं कहा जा रहा, वहां पर क्या कोई किसी पर स्पाइंग नहीं कर रहा, जबकि हम तो सब जानते हैं कि अमेरिका तो पूरे इंटरनेट को कंट्रोल करता है, जितनी जासूसी आम लोगों की आजकल इंटरनेट के माध्यम से होती है, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं चाहे वो गूगल हो या फिर दूसरी जो कंपनियां हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, ये सब जो है ये सब अमेरिका की अमेरिकी कंपनियां हैं। और जिस प्रकार से हमारा हर मिनट का डेटा इकट्ठा होता है तो हम सोच भी नहीं सकते कि हम विश्व के लगभग हर नागरिक का जो कि इंटरनेट यूजर है कितना डेटा जो है वो अमेरिका के पास खुफिया रूप से उपलब्ध होगा, तो उस पर कोई क्यों नहीं सवाल उठाया जा रहा है। और उतना डेटा तो शायद उतनी जासूसी तो कोई किसी भी स्पाइवेयर के माध्यम से कोई कहीं ना कर पाए। और फिर इसमें द वायर भी एक पार्टनर है, आप खुद ही सोच सकते हैं जैसा कि मैंने कहा कि वायर होगा तो किस प्रकार की निष्पक्षता होगी। सबसे अजीब बात यह है कि इस रिपोर्ट में जो नंबर्स हैं उसमें खुद सरकार के भी नेताओं के नाम है। अब जैसे आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव, तो अगर सरकार करा रही है तो स्पाइंग तो खुद के नेताओं पर क्यों स्पाइंग कराएगी। और आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने एक क्लेम भी बिल्कुल खारिज कर दिया और बोला कि मुझ पर भला कोई क्यों स्पाइंग करेगा। रिपोर्ट का टाइमिंग देखिए, एक ऐसे टाइम पर ही रिपोर्ट आई है जब भारत में मिनिस्टर्स की एक नई टीम आई है, खास करके एक नई आईटी मिनिस्टर बने हैं। और ये भी बड़ी अजीब सी बात है, बड़ा अजीब सा कोइंसिडेंस है, अगर ये इत्तेफाक है कि इस समय आईटी मिनिस्टर नए बने और आईटी मिनिस्टर का ही नाम इस रिपोर्ट में आ गया कि उन पर स्पाइंग की जा रही थी जब वो मिनिस्टर थे भी नहीं। और सोशल मीडिया साइट्स के साथ ही ऐसा समय जब भारत सरकार उनको नियंत्रित करने की कोशिश करी है भारत में, इसको लेकर काफी विवाद भी चल रहा है, सोशल मीडिया साइट्स ने इसको रेजिस्ट करने की कोशिश की भारत में एक प्रकार की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का खेल खेलकर, लेकिन उनकी दाल नहीं गल रही है। तो एक ऐसा समय है जब भारत जो है वो सोशल मीडिया कंपनियों के रेगुलेशन में भारत सरकार जो है वो एक स्ट्रांग एक्शन ले रही है, कड़ा रुख अपना रही है, रवैया अपना रही है। और ऐसे समय में ये रिपोर्ट सामने आ रही है जिसमें भारत सरकार पर सीधे सीधे साइबर स्पाइंग का, साइबर क्राइम का आरोप लग रहा है, भारत सरकार को एक साइबर क्रिमिनल बताया जा रहा है इस रिपोर्ट के हवाले से जो मीडिया में रिपोर्ट छप रही है। और जब साइबर वॉरफेयर का खतरा पूरे विश्व में मंडरा रहा है, अमेरिका और चीन एक दूसरे पर साइबर स्पाइंग के आरोप लगा रहे हैं, और अमेरिका रशिया का भी यही मसला है, फिर कोरोना वायरस के उद्गम का मुद्दा है जिसे फिर से दबाने की कोशिश की जा रही है। अब आप तब खुद ही आपस में सारे तार जोड़ सकते हैं कि ऐसे समय में इस रिपोर्ट के माध्यम से कहीं दूसरी बातों पर से ध्यान हटाने की तो कोशिश नहीं की जा रही।
दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ, तब तक के लिए अनुमति दीजिए, नमस्कार।